हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम दिनेश टिप। आज मैं एक खास इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान का जो पैसा काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था और किसान भाई जो बहुत ही परेशान थे, लेकिन जो है इस समस्या का समाधान हो गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है अभी पीएम किसान का पैसा जो है सभी किसानों के खाते में डालने वाले हैं और किस डेट को डालने वाले हैं, इसी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो अभी निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और पीएम किसान का जो अगली किस्त 14वीं किस्त जो होती है वो बहुत जल्दी आप लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। और किस डेट को होगी ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पीएम किसान का जो पैसा आने वाला है ये डीबीटी के माध्यम से आएगा, तो आप जो है अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लीजिए ताकि आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा आने में कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ जो है अपना KYC और भूल लेख सत्यापन भी करा लीजिए, अदरवाइज़ आपका जो है किस्त आने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि किस डेट को जो है पैसा आने वाला है। हमने यहाँ पे जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है, आपको ये सब दिखाने वाले हैं कि पीएम किसान का जो है अगली किस्त कब आने वाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना का जो 14वीं किस्त है उस पर हस्तांतरण करने का कार्यक्रम जो है सीकर राजस्थान दिनांक 27 जुलाई 2023 को किया है। और इसी डेट को जो 27 जुलाई को ही पीएम किसान का जो 14वीं किस्त है DBT के माध्यम से सभी किसानों के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। आप यहां पे ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आज 21 तारीख है और 27 तारीख को जो पैसा जो है प्रधानमंत्री जी DBT के माध्यम से सभी किसानों को जो है पैसा भेजने वाले हैं। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर जब पैसा आता है यहाँ पे डेट भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही डेट लिख चुका है 14 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम ऑन 27 जुलाई 2023, यहाँ पे पहले ही डेट मेंशन हो चुका है। लेकिन ऐसा पहले जो है जब आता था तब बहुत मेंशन हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे पहले मेंशन हो चुका है, इसीलिए आप निश्चित रहिए और 14वीं किस्त जो है 27 जुलाई को सभी खाते में आ जाएगी। और अगर आपने जो है अपना KYC नहीं कराया तो आपने KYC करा लीजिए, और आपको KYC जो कराना है आप इसी पोर्टल के माध्यम से आके अपनी KYC कंप्लीट करा सकते हैं। आप देखिए फार्मर कॉर्नर का यहाँ ऑप्शन है, नीचे लिखा है KYC, आप इसी के माध्यम से आके अपनी KYC कंप्लीट करा सकते हैं। अगर आपको KYC नहीं करनी आती तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कैसे KYC करनी है। और अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका जो KYC कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई, आप यहाँ पर नो योर स्टेटस पर आके जो है अपनी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।